السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں کے ساتھ یہ مختصر سا اجتماع دراصل مجاہدین کی طرف سے ان بڑے بڑے تربیتی اجتماعات کا ایک حصہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں بطور خاص ان دنوں منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ حالیان پاکستان کو ان کے ساتھ کی گئی بہت بڑی سازش، ظلم اور زیادتی کے خلاف باقاعدہ باخبر کیا جائے. میرے بھائیو، نصف صدی سے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے کہ مسلمان اپنی محنتوں، اپنی کوششوں، کاوشوں اور اپنے جہاد کے ساتھ کچھ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، مگر سیاسی طور پر مجبور، بے بس اور پابند حکمران ان کامیابیوں کو مذاکرات کی میز پر شکستوں میں بدل آتے ہیں. وطن عزیز میں یہ سلسلہ پچھلے 50 سالوں سے جاری ہے. آپ سب ہوش مند باخبر لوگ ان حقیقتوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں، اور اگر بعض باتیں آپ کے ذہن سے اوجھل ہوں تو ہم مختصراً آپ کو بتلائے دیتے ہیں. یہ نشستیں، یہ جلسات، یہ اجتماعات جہاد کے حوالے سے منعقد کیے جا رہے ہیں. مجاہدین پاکستان اپنی مختلف ناموں اور تنظیموں کے ساتھ ہندوستان کی ظالم افواج کے خلاف اپنی بے انتہا قربانیوں کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھے. جیسے جیسے جہاد بڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ سازشیں اور مکروں جاتے تھے، اور یہ المیہ پچھلی نصف صدی سے جاری ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 1947 اور 48 میں جب ہندوستان کے ہندوؤں نے انگلستان کے انگریزوں کے ساتھ مل کر سارے کافروں نے ملی جلی سازش کے تحت مسلمانوں کے کشمیر کو ہندوؤں کے ساتھ الحاق کے اعلان میں ہضم کرنا چاہا، تو مجاہدین اٹھے، جہاد کھڑا ہوا، نوجوان میدانوں میں اترے، قربانیوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ جہاد کو آگے بڑھایا.
हत्ता के श्रीनगर की दीवारों तक मुजाहिद पहुंच गए। और ये सारी बातें हकायत हैं, शायद आधे दिन की बात बाकी नहीं बची थी कि फिर वही चक्कर चला, दबाव का, मुजाकरात का, मुआहदात का, साजिशों का, राउंड टेबल टॉक्स का, जनरल असेंबली और सलामती कौंसिल जैसे खालिसतन सलीबी यहूदी इदारों का, और उस दबाव को कबूल किया उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीगी वजीर आजम लियाकत अली खान। नतीजा क्या हुआ? साजिशें काम कर गईं, जिहाद को रोक दिया गया, खाली हवाई मुक्के लहराकर मुसलमानों को, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को और मुजाहिद तंजीमों को धोखा दिया गया और कज़िया कश्मीर को यूएनओ के गंदे डेस्क पर फेंक दिया। मुस्लिम लीग की वजीर आजम लियाकत अली खान, मुजाहिदों के साथ ये धोखा, कश्मीरियों के साथ ये जुल्म, बर्रे सगीर के मुसलमानों के साथ वो जबरदस्त दजम, खाली मुक्का दिखाकर कजिया को यूएनओ के दफ्तर में फेंक कर इस बात को कबूल करके कि फैसला कश्मीर का यूएनओ की करारदादों के मुताबिक हो, बात को दबा दिया। और आपने देखा कितना खौफनाक नुकसान हुआ इस साजिश पर चलने का। अब वो वक्त बाकी नहीं है कि हम लोग खामखा के अपने लीडरान का जाली तकद्दस अपने जेहन पर जमाए रखें और उनकी साजिशों का पोस्टमार्टम न करें और इन मुजाकरात और इन मुआहदात को हम पूछते रहें, सजदे करते रहें, जाली एहतराम करते रहें। अल्लाह की कसम, अब वो वक्त बाकी नहीं है। कोई मुसलमान हुक्मरान इस बात का हक नहीं रखता, खा उसके पास पाकिस्तान के नवाज शरीफ से बड़ा मैंडेट क्यों ना हो कि वो किसी इस्लामी मसला में, किसी मिल्लत इस्लामिया के तजिया में उस मैंडेट की बुनियाद पर साजिशों के दबाव से गलत फैसले कर दे। कोई मुस्लिम हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, मुंतखब हुकूमत इस बात का हक नहीं रखती। लियाकत अली खान ने दबाव कबूल किया, कश्मीर का कजिया 50 साल के लिए गुलामी में डूब गया। 1965 आया, पाकिस्तान की फौजों ने, पाकिस्तान के आवाम ने जैसा कैसा भी था उस वक्त की लड़ाई में, जिहाद में कामयाबियां हासिल की, कब्जे लिए, हिंदू फौजों को लताड़ा, सारी दुनिया में बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किया, हर तरह से अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी थी, मगर कन्वेंशनल मुस्लिम लीग का अय्यूब खानी ताशकंदी मुआहदा पाकिस्तान की जीत को, फतह को शिकस्त में बदल दिया। आप सारी तारीख पे निगाह डालिए, जब भी मुसलमानों ने कुछ हासिल किया जिहाद फी सबीलिल्लाह के नतीजा, और जब खोया तो काफिरों की साजिशों को कबूल करने में, दबाव को कबूल करने में और उनके साथ बैठकर मुजाकरात की शर्तें मान लें। इस वक्त भी यही हालत है। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन कामयाबियां हासिल कर रहे थे और ताहाल अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। इस दफा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है और वही मुख्तलिफ मामला अल्लाह के फजलो करम से आगे चलकर बर्रे सगीर के मुसलमानों को बड़ी बड़ी कामयाबियों से हमकिनार करने वाला है अल्लाह के फजल से। पिछले 9 साल से मकबूजा कश्मीर के अंदर जिहाद जारी था, हिंदुस्तान की फौजों के खिलाफ आपके भाई बेटे मुजाहिदीन
अपनी कुर्बानियों के साथ, बड़े बड़े खून आशाम मारकों के साथ अल्लाह के फजल से जिहाद को कामयाबी से आगे बढ़ा रहे हैं। और तकरीबन ये सारी बातें अब हर पाकिस्तानी शहर में अल्लाह के फजल से मालूम है, लोग इसको जानते हैं। अब वो दिन नहीं है कि जिहाद की बात अजनबी लगे। हैं कुछ बदकिस्मत वजीर खारजा जैसे लोग या हमारे बेचारे वजीर आजम जैसे लोग जिनको जिहाद के वाकयात से पूरी आशनाई नहीं, मगर अल्लाह के फजल से उनके अलावा बाकी सारे पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं अल्लाह के फजलो करम से अब जिहाद उनके दिलों की धड़कन है। उन सब घरों में, उन सब शहरों में, उन सब दरसगाहों में, स्कूलों में, मदरसों में, मकतबों में, यूनिवर्सिटीज में अल्लाह के फजल से अब जिहाद को डिस्कस किया जाता है। कामयाबी के साथ जिहाद बढ़ रहा है। हिंदुस्तान की फौज बाकायदा शिकस्त से दो चार हुई। मुजाहिदीन के मारकों में बहुत बड़ी फौज साबित कदम नहीं रह सकी। उनके हौसले टूटे, उनकी लाशें गिरी, उनके क्लच ढीले पड़े, वो मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त को जमा हुआ नहीं रख सके। अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को कुव्वत बख्शी, कुर्बानियां रंग लाई, रब्बे जुलजलाल ने कबूल फरमाया मुजाहिदों की कुर्बानियों को। नतीजा यह हुआ कि पूरे कश्मीर में, हत्ता के पूरे हिंदुस्तान में सारी मुस्लिम जमातें, मुस्लिम आबादियां इस जिहाद से मुतासिर हुई। हिंदुस्तान के अंदर कुव्वत की तारीख, अलहदगी की तारीख, जिहाद की तारीख मुख्तलिफ सूबों में, रियासतों में, शहरों में जन्म लेने लगी। वहां का मुसलमान जाग पड़ा, वहां का कमजोर मुसलमान ताकत की तरफ बढ़ने लगा, जिहाद वहां पनपने लगा। ये इसके सारे सम्राट थे, वो सम्राट जो गुलामी की ऐनक पहनने वाले हुक्मरानों को नजर नहीं आता। मोटी मोटी फाइलें, उन फाइलों में डिस इंफॉर्मेशन का कूड़ा करकट भरा, एजेंसियों की झूठी खबरें, कौंसल खानों की गलत डिक्टेशन, ये ब्रीफ केस में जहेद है। फाइलें भरी हुई हैं, हम मार दिए जाएंगे, फौज ने घेरा कर लिया है, हिंदुस्तान आ गया है, हम पर छा गया है, हम मरे जा रहे हैं, कारगिल पर मुजाहिद चढ़ गए, अगर वो चढ़ गए पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हमारा जहेज है, हमारे नबी का जहेज जो फातिमा ने दिया रजी अल्लाह अन्हा वारदाहा, बेटी ने बाप को रुख्सत किया जिरा पहना के, तलवार ढाल थमा के। यह है तरबियत। सो अल्लाह के फजलो करम से मुजाहिदीन ताहाल चोटियों पर हैं, बदस्तूर जिहाद वहां जारी है, बदस्तूर हमले जारी है। यह खालिसतन डिस इंफॉर्मेशन का हिस्सा है जो हमारे हुक्मरानों ने प्रेस में अपने झूठे बयानों से यह तासुर देने की कोशिश की कि जो मुजाकरा वो क्लिंटन से कर आए हैं ऐलान वाशिंगटन की शक्ल में, उसको मुजाहिदों ने कबूल कर लिया। अल्लाह की कसम मुजाहिदों ने उसको रद्द कर दिया। और मजबूत तरीन हिकमत अमली इख्तियार की दोबारा मुजाहिदों ने, फिदाई मिशन इख्तियार की। आपने पढ़ा पिछले 72 घंटों में किस तरह से हिंदुस्तान की फौज पर मुजाहिदों के ताबड़तोड़ बार बार शदीद तर हमले हुए, किसी में उनका ब्रिगेडियर मरा, किसी में डीआईजी मरा, किसी में उनकी छावनियां तबाह हुई, किसी में 19, किसी में 20 फौजी उनके हलाक किए गए, उनके कैंप उड़ाए गए। दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदों ने फिदाई मिशन शुरू कर, फिदाई मिशन इसलिए शुरू किए गए कि मुजाकरात को तहस नहस किया जाए। ये उस रात भी हुए थे जिस रात वाजपेयी तुम्हारा लाहौर में मेहमान था। आपने देखा, शायद आपका हाफिजा कमजोर ना हो, आपको याद हो, जब पाकिस्तान का वजीर आजम वाजपेयी के इस्तकबाल में बिछा जाता था पूरी रात, और उस रात मुजाहिदों ने 70 हिंदू कत्ल किए, 70 हिंदू उस रात बाकायदा कोशिश के साथ
जानबूझकर प्लानिंग के साथ, ताकि सुबह को लाहौर में जब किसी ऐलामिये पर दस्तखत होने लगे तो हिंदुस्तानी वजीर आजम का थोबड़ा सूझा हो कि रात भर 100 हिंदू कत्ल हुआ, सवेरे वो किस मुंह से सुलह पर दस्तखत करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद कामयाब रहे, रात भर मुजाहिदों ने हिंदू फौजियों को कत्ल किया और सवेरे वाजपेयी के चेहरे पर फटकार। आज हमें लोग पूछते हैं कि हुकूमत तो पीछे हट गई, तुम क्या करोगे? हम कहते हैं भाइयों, जिहाद में हुकूमत आगे बढ़ी ही नहीं थी, यह सिर्फ मुजाहिदीन की हिकमत अमली थी। हां, कुछ हिस्सा फौज, बहरहाल वो पाकिस्तानी फौज के शेर दिलेर जवान जो हमेशा से जिहाद करना चाहते हैं मगर पाकिस्तान की जालिम हुकूमत उनको बांध बांध कर रखती, अल्लाह की कसम बांध बांध। शायद आपकी उतनी मुलाकात फौजियों से न रहती हो जितनी मैदान जिहाद में अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। हम जानते हैं कि सैकड़ों कर्नल अल्लाह की कसम सिर्फ इस बात पर आंसुओं से रोते हैं कि जब फौज की नौकरी की थी तो हिंदू से जिहाद का जज्बा था, रिटायरमेंट का दिन करीब आ रहा है, मगर इन हुकूमतों ने जिहाद के चांसेस मिस कर दिए। मुजाहिद लड़ते हैं, हम लड़ नहीं सकते, अल्लाह की कसम पाक फौज के शेर दिलेर इस पर आंसुओं से रोते। हरस करने का मकसद यह कि मुजाहिदीन जिन्होंने जिहाद को शुरू किया वो नाराज वापसी पर तैयार नहीं, फौज जिस पर कोई दबाव पड़ सकता था वो नाराज वापसी को तैयार नहीं। तैयार कौन है? बेचारे कमजोर कर्जे खोर, पेट से सोचने वाले डिफॉल्टर्स, बैंकों का खा के दौड़ने वाले, बाहर से कर्जे लेके भाग जाने वाले, झूठे वादों और लारों पर लोगों को बहलाने फुसलाने वाले, अपनी कुर्सी इख्तदार को चंद दिन तूल देने वाले, ये कमजोर तरीन तबका होता है मेरे भाइयों, कमजोर तरीन तबका, जिनके अंदर ना कुव्वत फैसला ना कुव्वत ईमान। हक ये है मैं आपसे अर्ज करूं कि मुजाहिदों ने जिहाद किया, फतह मिल रही थी, वजीर आजम वजीर खारजा ताज सजा सकते थे अल्लाह की कसम, अगर सोच जिहादी। लेकिन चूंकि इस्लामी फहम, जिहादी फरासत, ईमान की मजबूती, काफिरों से दुश्मनी, अल्लाह से दोस्ती, ये सारी चीजें तरबियत में शामिल नहीं। यही वजह है मेरे भाइयों, हम इस मुल्तान में बारहा कह चुके और कितने ही हमारे लर्निड लॉयर्स, हमारे वकला हमारे साथ बात करते हैं कि आप डेमोक्रेसी को रद्द करते हैं, आप जमहूरियत का इनकार करते हैं, ये एक सियासी निजाम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आओ देखो अल्लाह की कसम, बातिल जमहूरियत का ये वार देखो, ये गंदा निजाम मुसलमानों से इज्जत को, गैरत को, दिलेरी को, जुरत को छीन कर उनके सीनों में कुफर की बालादस्ती भर दे। जिहाद को कोई असर नहीं हुआ इन मुजाकरात से, जिहाद अल्लाह के फजल से पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा। हां, नुकसान दिया हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत को, नुकसान पहुंचाया हुक्मरानों ने अपनी कुर्सियों को, आवाम के अंदर नफरतें गहरी हुई, अल्लाह की तरफ से रहमतें रुक गई, अल्लाह के आजाब के हकदार ठहरे जो जाके क्लिंटन के पास मुजाहिदीन के खिलाफ सौदा करा। وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ। जाओ कुरान की सूरत अनफाल की इस आयत को पढ़ लो, पढ़ना। وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ دُبُرَهُ, जब जिहाद गर्म हो जाए, मार का एक कारजार बपा हो, जो मैदान जिहाद से भाग आए, पीठ फेर ले, मुंह फेर ले, जिहाद को रोक दे, सरेंडर कर ले, हथियार गिरा दे, वापसी मान ले, अल्लाह ताला कहता फकत बा बेगज़ब मिन अल्लाह व मावाहु जहन्नम,
वो अल्लाह के गजब का हकदार है और उसका ठिकाना जहन्नम है, ये अल्लाह का कुरान है। وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, जो अपनी पीठ को फेर लेगा जब जिहाद गर्म होगा। अरे ये तो दिन आए थे दूबदू जंग के, फौजों के साथ दो दो हाथ करने के, काफिर हिंदू को ललकारने के, अशहदो आमंतों की सदाकतों के इम्तहान के ये दिन थे जब ये मार के गर्म हुए, जिन बेचारों को ईमान की हवा तक नहीं लगी थी, अल्लाह की कसम मुंह फेर के घरों को भाग। मैं फिर सूरत आज़ाब का एक वाक्य जिक्र करता हूं। जब वहां जंग गर्म हुई थी, घेरे हुए थे मदीना के, तो मुनाफिकों के टोलों ने क्या कहा था, या आला यसरब ला मुकाम लकुम फरजऊ, ए मदीने वालो, यसरब वालो, अब तुम रुक नहीं सकते, तुम्हारे खड़े होने की जगह नहीं है, दुश्मन ज्यादा है, घेरे बहुत हैं, लश्कर टूट पड़े हैं, फरजऊ लौट जाओ। तो बतलाओ अल्लाह का रसूल लौट गया कि मैदान में डटा। हमारी मुखासमत सियासी, लेकिन हम इस्लाम के अहकाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने कुफर की बालादस्तियों को कबूल किया, हमने इसको रद्द किया। जमहूरी हुकूमतों ने यूएनओ और जनरल असेंबली की बालादस्ती को कबूल किया, हमने इसको रद्द किया। जमहूरी हुकूमतों ने काफिरों की सुपरवेसियों को कबूल किया, मुजाहिदीन ने इसका इनकार किया। मुल्तानियों बात को समझ लो, बात सिर्फ कश्मीरों की नहीं है। बात अगर कश्मीर की होती तो अमेरिका इतना परेशान ना होता। अमेरिका को इस दूर उफ्तादा इंतहाई पहाड़ी बर्फानी इलाके में लंबा चौड़ा इंटरेस्ट शायद ना होता। अमेरिका को इंटरेस्ट क्यों है? बरतानिया क्यों परेशान है? G8 के ममालिक क्यों हैरान हैं? दुनिया के सारे काफिर निजामों में दरारें आ रही हैं, उनका क्लच टूट रहा है, डेमोक्रेसी गिर रही है, यूएनओ लरज रहा है। वो जान रहे कि जिहाद रूस को काट गया, हिंद को तोड़ रहा है, बर्रे सगीर जा रहा है, बर्रे सगीर एक बहुत बड़ी समुद्री गुजरगाह पर मौजूद। यहां अगर जिहाद की कुव्वत खड़ी हो गई तो खलीज के पानियों में सलीबियों को रुकना नहीं मिलेगा। वो सारे जिहाद के दूर रस मुस्तकबिल से परेशान। और हम भी आपको बतला दें, कश्मीर हमारी कोई मंजिल नहीं है। और मैं आप पर वादे कर दूं, हमने कश्मीरियों की तरबियत की है, अब कोई कश्मीरी श्रीनगर को छोड़ने की चिड़िया नहीं समझता। कश्मीरियों की नजर दिल्ली पर, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह का निजाम है। जब वो लड़ा देता है तो अल्लाह ताला फिरौनों को बनी इसराइलियों से कटवा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह ताला कमजोरों से ताकतवरों को मरवाता है। आज कश्मीरी मुजाहिद उसके साथ पाकिस्तानी मुजाहिद श्रीनगर को कोई तख्त नहीं समझता। अल्लाह की कसम, इस जिहाद की मंजिल श्रीनगर नहीं है। नवाज शरीफ बार बार धोखा ना खाए ना देने की कोशिश। हम तो तब रुके अगर हमारी निगाह में श्रीनगर मंजिल हो और हम समझे कि चलो कारगिल नहीं तो किसी और रास्ते से हम लड़ेंगे। श्रीनगर जिंदगी में अगले 50 साल में आ जाएगा तो चैन आ जाएगा। नहीं, अल्लाह की कसम, हमारी निगाह में मैं आपका भाई, मुजाहिदों की आवाज, उनकी तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर आप सबको बतलाता हूं। आप आले मुल्तान को बतला दें, हम आलियाने पाकिस्तान को बतलाते हैं, हमारी मंजिल, हमारा नस्बुल ऐन कश्मीर श्रीनगर की आजादी नहीं है, जम्मू पूंछ की आजादी नहीं है। ये तो अल्लाह ने मुकद्दर कर दी, यहां करीब मिलेगी, यहां जिहादी कैंप होंगे, मुजाहिद यहां डेरे लगाएंगे, यहां से हिंदुस्तान पर चढ़ेंगे, दिल्ली को काटेंगे, गुरदासपुर होशियारपुर फिरोजपुर को तोड़ेंगे, हैदराबाद जूनागढ़ को छुड़ाएंगे, हिंदुस्तान के इक्तदार हिंदू के इक्तदार को हिंदुस्तान में गिराकर वहां मुस्लिम हुकूमतें कायम करेंगे। ये हमारे जिहाद की अव्वलीन मंजिल। अब वो भोला सीधा कश्मीरी नहीं है,
जो दो नारे लगा के चार जुलूस निकाल के कश्मीर को हक़े खुद इरादियत दीजिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दीजिए, इस्तिस्वाब राय कीजिए, आजादी कश्मीर दीजिए, ये झूठी गर्दाने करने वाला कश्मीरी अब तुमको वहां नहीं मिलेगा। अब 10 साल मरकज उद्दावा वाले इरशाद लश्कर तैबा अल्लाह के फजल से श्रीनगर में, जम्मू में, पुंछ में, डोडा में, कपवाड़ा में, बारामूला में, मस्जिदों में काम कर रहा है, मदरसों में काम कर रहा है, मैदानों में लड़ रहा है, कुछ मुजाहिद फौज से लड़ते हैं, कुछ मुबल्लिग जाके कश्मीरी को दावत देते हैं। जो काम हिंदुस्तान का, बंबई, बनारस का मुसलमान नहीं कर सका, अब अल्लाह के फजल से तरबियत के बाद कश्मीर का मुसलमान वो काम करे। मुसलमान के दो ही काम हैं, मुस्लिम लीगियो, इस्लाम की दावत खड़ी करना, जिहाद के अमल को जारी करना। हमें जमहूरियत ने पढ़ाए कई काम, इलेक्शन लड़ो, इंतखाबात लड़ो, दंगल सजाओ, इंतखाबी निशान अलॉट करो, हलके बनाओ, एन ए फला, फलाने हलके में इतने लाख वोट, फलाने हलके में इतने लाख वोट, बिरादरियों को बांटो, हाशमियों, गिलानियों, कुरैशियों को काटो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा करो, कत्लो गारत करो, वोटों की संदूकी पर दंगल करो, तुमको सिखाए हजार काम गंदी जमहूरियत ने हमको सिखाया, एक काम अल्लाह के दीन ने, काम एक है, दीन की दावत, जिहाद का अमल, इस पर तरबियत, इस पर जलसा, यही नस्बुल ऐन, यही मकसद हयात। अल्लाह के फजल से हमने इस काम को किया, उसके नताइज आप देख रहे हैं। ये हमारे भी लाखों मुजाहिदीन हैं, नौजवान हैं, ख्वाहिशें हैं इनकी, आरजुएं हैं। हम कहते हैं जरा पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेट्स कि आओ तो जरा मुजाहिदीन को FSC, BSC, MSC ग्रेड स्केल 18वां 17वां पेश करके जरा देखो तो इनके सामने इनका रद्द अमल क्या है। ये बिल्कुल दो कल्चर हैं, ये दो तहजीबें हैं। एक तुम्हारी जमहूरी तहजीब है जो गुलामियों का दरस देती है, हुकूमतें नहीं होती, तुम्हारे सामने हुकूमतों के नाम होते हैं, हकीकत में कौंसल खानों के नौकर होते हैं। इसके मुकाबले में एक हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारी तालीम और तरबियत है, एक पूरा नस्बुल ऐन है, मकसद हयात है जिहाद फी सबीलिल्लाह, काफिरों की बालादस्ती को काटना, कॉन्स्टिट्यूशन को गिराकर कुरान को चढ़ाना, पार्लियामेंटों को बेहसियत बेहकीकत करके अल्लाह के घर मस्जिदों को ऊंचा करना, इसके लिए अपनी गर्दनों की फसलों को कटवा देना, अल्लाह की राह में खून निछावर कर देना, काफिरों को ललकार कर गिरा कर इस्लाम को चढ़ाकर रब के सामने कुर्बानियां पेश करना, एक ये तहदीब है, तहदीब है, ये कल्चर है, ये डोमिनेटिंग है, ये फ्लरिश कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये ललकार रहा है, पूरी दुनिया इसके खौफ से आज लड़ता बरंदा। नहीं मानते अल्लाह की कसम हम तुम्हारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप्स को, बहुत जिल्लतें सही मुसलमानों ने इस जमहूरी निजाम, ये तुम्हारे बातिल ढांचे, तीनों चारों तरफ की जमहूरियतें एक मुल्क के अंदर एक वक्त में एक्सरसाइज की जाएं, छोटा सा पाकिस्तान 14 करोड़ का, सदारती निजाम भी वहां लागू हो, पार्लिमानी निजाम भी वहां लागू हो, विफाकी डोंगे कर्चे भी चलते हों, सूबाई असबियतें भी उजागर होती हों, कौमियतों के फसादात भी चलते हों, तीन तीन चार चार सेटअप्स वहां लड़ाए जाते हों, देख लो मेरे भाइयों, सूबों के अंदर, मरकज के अंदर तुम्हारा निजाम एक सदर, सदर के साथ उसकी सेनेट, उसका हल्का, पूरा सदारती निजाम, सदारती ऑर्डिनेंस, एक पूरा सेटअप, उसके मुकाबले में एक पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के साथ पूरा जमहूरी ढांचा, तुम्हारी मरकजी और सूबाई काबीनाएं, उनके ढांचे, सिविल सेक्रेटरी एट्स, पुलिस सेक्रेटरी एट्स, अनगिनत ब्रोथल हाउसेस बनाकर काफिरों ने मुसलमानों के एक एक मुल्क को अल्लाह की कसम का अंबार। छोटा सा मुल्तान है, एक DIG होगा, उसके साथ कितने DIG होंगे, कोई वेलफेयर का, कोई फलां का, कोई फलां का, फिर SSPs होंगे, SSPs होंगे,
फिर उसके साथ डिप्टी कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल होगा, एडीबी पता नहीं कितने कितने होंगे। इसके बावजूद जुर्म ज्यादा से ज्यादा, बदकारी पहले से ज्यादा, आवाम में जहालत पहले से ज्यादा, अनारकी फिरकावारियत पहले से ज्यादा। ये काफिरों ने तुम्हारे मुल्कों को गंदी जमहूरियत के साथ काटने की बदतरीन साजिश की। हम तो सीधा साधा जिहादी कल्चर आगे बढ़ाते हैं। आओ, एक जिहाद का अमीर है, उसके हुक्म के साथ लाखों मुजाहिदीन एक वक्त में चल रहे हैं। हमला उसके हुक्म के साथ होता है। मुजाहिद अपनी गर्दन कटवाता है अमीर की इजाजत से, हिंदू की गर्दन काटता है अमीर के हुक्म। जाओ, 9 साल, पूरे 9 साल अल्लाह की कसम मुल्तानियों, तुम्हारे सामने एक प्रेसिडेंट रखता हूं, जब से जिहाद की जिंदगी में आए 9 साल लाखों मुजाहिदीन, किसी मुजाहिद ने किसी थाने में कोई FIR नहीं कटवाई, किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई मुजाहिद इन 9 सालों से जाके खड़ा नहीं हुआ। इसलिए कि हम तुम्हारी इस लो मजिस्ट्रेसी, सेशन लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बातिल अदालती निजाम, ये जेनवा और फ्रांस का अदालती निजाम, मुजाहिद इसको कबूल नहीं करता। हमने क्या किया, हमारे सारे तनाजुहात अमीर के पास, अमीर काजी शरी के पास भेज देता है। किसी थाने में न FIR हमारी फेवर में, न हमारे खिलाफ कभी लॉज में। हम नहीं मानते, इन निजामों को रद्द करते हैं अल्लाह के फजल से। यह है तकलीफ अमरीका बरतानिया पलीत को, कश्मीर की तकलीफ नहीं है उनको, यह तकलीफ है कि एक कल्चर फ्लरिश कर रहा है, एक जमात उभर रही है, एक कुव्वत मैदानों में आ रही है, जो जमहूरियत को काट रही है, सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को काट रही है, जो इस दुनिया पर से वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ रही है, जो बरतानिया फ्रांस के इदारों को तस्लीम नहीं करती, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लफ्ज़ को, इदारे को शिर्क तसव्वुर करती है। इस कुव्वत के खिलाफ अमरीका बरतानिया तुम्हारे बेचारे वजीर आजम पर दबाव डाल, बात को समझने की कोशिश कर। वो जिहाद से क्यों डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको जिहाद से खौफ आता है कि उनके निजाम टूटेंगे जिहाद के बाद। और देख लो, ईरान का निजाम था किसरा का, रोम का निजाम था कैसर का, मिस्र का निजाम था फिरौनों का, हिंदुस्तान का निजाम था दाहिरों का, गोपाल, जयपाल, नंदपाल, पृथ्वी पलीत का, थे ना ये निजाम। इराक, बाबल, नैनवा पर, ईरान पर, तेहरान पर, मशहद, तबरेज पर निजाम था किसरा का, आतिश परस्त का, आतिशकदों का, रूम पर, शाम पर निजाम था कैसर का, सीजर का, सलीबियों का, मसीहियों का, मिस्र पर निजाम था फिरौनियों का, यमन पर निजाम था यमन के तुब्बा का, हिंद पर निजाम था देवियों देवताओं का। काटा किसको इस निजाम ने, इस निजाम को किसने काटा, जिहाद फी सबीलिल्लाह के बाद दाहिर कटा, गोपाल गिरा, नंदपाल के टुकड़े हुए, पृथ्वी की लाश गिरी, जिहादी घोड़ों ने रौंद दिया, ईरान के आतिशकदों की आग बुझाई घोड़ों के हिनहनाने ने, रूम की, शाम की सलीबों को गिराया मुहम्मदी तलवारों ने, यमन के बादशाहों को लिताड़ा अरब शाहसवारों ने। ये उनको समझ है, बेचारी मुस्लिम लीग की मत मारी इसको नहीं समझ। आज अमेरिका परेशान क्यों है, वो जानता है कि जब जिहाद उठेगा तो एफल टावर गिर जाए, जेनवा का आलमी जथा कट जाए, वेटिकन में पोप पाल के टुकड़े होंगे, सलीबे सारी टूट टूट गिरेंगी, यूएनओ की इजारादारी दुनिया भर से खत्म हो जाएगी, ये सारे इंटरनेशनल क्लचेस उनके टूट जाए। ये जो उन्होंने दुनिया के माल पर, तिजारत पर, जोग्राफिये पर, समुद्री गुजरगाहों पर, समुद्री तिजारती मराकज पर, खुश्की के रास्तों पर कब्जे कर रखे हैं, उनको खौफ है कि जब जिहाद बढ़ेगा ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बिखर जाए। नहीं, अल्लाह की कसम, यहूदी यहूदी है,
यहूदियों का नबी सिर्फ यहूदियों की तरफ था, यहूदियों की किताब तौरात बनी इसराइल की तरफ थी। कोई यहूदी इंटरनेशनल का दावा नहीं रखता, कोई ईसाई क्लिंटन समेत, टोनी ब्लेयर समेत, यूएनओ समेत इंटरनेशनल का दावा नहीं रखता। ये ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, शरीयत इनकी वक्ती थी, हकूमत इनकी आर्जी थी, नबी इनका इनकी कौम की तरफ था। ये नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं। मेरा नबी आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरबियों, सारे आदमियों, रूमियों, ईरानियों का नबी था। एक शरीयत, एक वही, एक निदा, अय्युहन्नास, ऐ सारी दुनिया के इंसानों, इंटरनेशनल मुसलमान है। क्लिंटन प्लीज इंटरनेशनल नहीं, वर्ल्ड लेवल की थिंकिंग काफिर का हक नहीं। सारी दुनिया काफिरों की नहीं है। यहूदियों का वतन मखसूस था, किताब की ज्यूरिस्डिक्शन महदूद थी। यहूदियों का नबी उनकी कौम को पुकारता था। हमारे कुरान में बयान है, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम जब पुकारते थे अपनी कौम को पुकारते थे, वो बनी इसराइल के नबी थे। मेरा नबी जब पुकारता है या यूहन्नास, या यूहन्नास, सारी दुनिया के इंसानों को पुकारता है। मैं इंटरनेशनल हूं, मुसलमान इंटरनेशनल है, जिहाद इंटरनेशनल है, क्लिंटन पलीद या उनके इदारे इंटरनेशनल नहीं। हम इस सोच के साथ मैदानों में उतरे हैं। कश्मीर पहला टकराव है, पहला मार्का है, छोटा मोर्चा है। जो मुजाहिदीन लड़ते आएंगे, शहीद होते आएंगे, अपने मिनवाल को पहुंचते जाएंगे, जिनको अल्लाह ताला गलबा अता करेगा वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये है काफले, ये है सफर, ये है ग्लैमर जिंदगी का। जिहाद में लड़ते जाओ, खपते जाओ, जिंदगी का वक्त मुकर्रर है, मौत की घड़ी मुकर्रर है। जिसको आनी है मुल्तान में, उसको कश्मीर में नहीं आ सकती, भले 10 साल कश्मीर में कर्नलों को काट काट के आए। जिसकी मौत मुल्तान में लिखी है, अल्लाह की कसम उसकी मौत कश्मीर में नहीं, और जिसकी कश्मीर में लिखी है उसको लाख रस्ते बांधो, मुल्तान में नहीं। ये अल्लाह के फैसले अटल हैं, इनसे मफर नहीं। मुजाहिदीन इस ईमान पर उठे हैं सारी दुनिया को तहवाला करने। हम नहीं मानते दुनिया की सियासत पर काफिरों के कब्जे को, हम नहीं तस्लीम करते दुनिया की तिजारत पर यहूदी की सुपरमेसी। कोई इदारा जो इंटरनेशनल के लफ्ज से आए और उसके पीछे उसके ब्यूरोक्रेट्स यहूदी हो, मुसलमानों हम जिंदा हो या मर जाएं, अल्लाह की कसम कभी उसको कबूल ना करना। हर वो इदारा इसके लफ्ज इंटरनेशनल हो और उसके अफसरान, उसके उसके ऑफिस बेयरर्स यहूदी और ईसाई हो, उसको कबूल करना, इस्लाम को रद्द करना। हमें समझ ही नहीं आई, स्कूल कॉलेज के मास्टर प्रोफेसर ने नहीं बतलाया, मदरसो मकतब के मियां मुफ्ती मौलवी ने नहीं समझाया। काफिरों की बालादस्ती को कबूल करते गए, अंदर ही अंदर पिसते गए, इस्लाम सिमटता गया, कुफर फैलता गया, इदारे मुसलमानों के कब्जे उन पर काफिरों के। ये बेदारी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत है, और इसका पता है काफिरों को। वो जानते हैं कि लश्करे तैबा की छावनियों में क्या लेक्चर दिए जाते। आपने देखा जिहादे कारगिल या जिहादे कश्मीर में मुजाहिदीन तो अल्लाह के फजल से सारे ही मौजूद थे, मगर बतौर खास वाजपेयी बार बार जिक्र करता था लश्करे तैबा का। शायद भाइयों ने सुना हो, जी टीवी ने कितना जिक्र किया, उतना हम चाहते भी तो कर ना सकते। हमारे पास पब्लिक रिलेशनिंग या एडवर्टाइजिंग, हमारे पास इस फन के माहिरी नहीं है, हम चाहते भी तो इतनी पब्लिसिटी ना कर सकते। यह अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला काफिरों के मुंहों से बातें कह लो। यकीन कीजिए, अमेरिका की ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन CNN या दूसरी उनकी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जिहाद के खिलाफ फीचर्स लिखकर
हकीकत में जिहाद की तबलीग कर देते। कितने मुसलमान अमेरिका से आए, हम उनको बात ना पहुंचा सके। जब आए हमने पूछा, भाई तुम कैसे आए? उन्होंने कहा कि CNN ने फला फीचर नशर किया था, मैंने सुना, दिल में आया कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं, छोड़ूं अमेरिका को, चलूं जिहाद में। अल्लाह की कसम, पिछले दिनों अभी 3-4 हफ्ते हुए, कश्मीर में बहुत जबरदस्त मारका हुआ, एक मुजाहिद सऊदी, एक ब्रितानी शहीद हुए। ब्रितानिया का, इंग्लैंड का गोरा अपने घर को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर जिहाद कश्मीर में आया, 1.5 साल रहा, तरबियत ली, जंग को सीखा, महाजों को पढ़ा, वादियों में रहा, पहाड़ों पर चला, बड़ी शिद्दत के मारके किए, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको शहादत आ दी। इंग्लिस्तानी मुसलमान कश्मीर में शहादत हुआ, कवेती मुसलमान कश्मीर में शहीद हुआ, सऊदी मुसलमान कश्मीर में शहीद हुआ। ये कौमियतों के दायरों को काटकर वहदत इस्लामिया को उभारता है जिहाद फी सबीलिल्लाह। मैं पिछले दिनों खलीज में गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जमा किया। पहले पहल तो बहुत डरते रहे, जब हमने उनके सामने मारके रखे, कामयाबियां रखी, उनको जिहाद का नेटवर्क समझाया, तो हैदराबाद से खड़े हुए पहले खानदान, हैदराबाद, हिंदुस्तानी हैदराबाद, फटाफट नाम लिखवाने लगे, कहने लगे हम जिहाद में जाएंगे, मगर हमारे बच्चों का, हमारे बीवी बच्चों का हिजरत का बंदोबस्त आप करें। हमने कहा अल्लाह के फजल से हम आपको कौल देते हैं, इसलिए कि हमने कुरान मजीद में पढ़ा है मोमिन सच्चा कौन होता है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वह हाजरू, हिजरत की, वह जाहदू फी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया अल्लाह की राह में, वल्लज़ीना आब, वो लोग जिन्होंने पनाह दी मुसलमानों को, मुहाजिर मुसलमानों को, कमजोर मुसलमानों को, वह नसरू, और उनकी मदद में जिहाद की। हमने कहा इंशाअल्लाह जो जो जिहाद को उठेगा, हिजरत करेगा, हम पाकिस्तान में उनके बीवी बच्चों को घर देंगे, हुकूमतें दे न दे, लश्कर तैयबा इंशाअल्लाह जिम्मेदारी उठाता। और यहां आप भाइयों के बीच में जिक्र कर दूं, कितने वो लोग जो हिंदुस्तान को मतलूब हैं, फोटो उनके छपते हैं, हिंदुस्तानी हुकूमत उनका इनाम ऐलान करती है, अल्लाह के फजल से लश्कर तैयबा ने उनको पाकिस्तान में घर दिए, मुहाजिर तस्लीम किया, माश दिया, जो जिंदगी खुद जीते हैं वही जिंदगी उनको। मेरे भाइयों, ये सारा निजाम कुफर है, ये पासपोर्ट, ये वीजा, ये इमिग्रेशन, ये खिड़कियों में सर दे के वीजे मांगने, मुसलमान मुल्क हो, दूसरे मुसलमान मुल्क में मुसलमान जाने के लिए वीजा मांग रहा हो, वीजा देने के लिए वीजा सेक्शन पाबंदियां लगा रहा हो, वीजा लेबर का मिलेगा, वीजा फला मिलेगा, अगर ये दो बातें नहीं तो वीजा विजिट का नहीं मिलेगा, तुम जिहाद करना चाहते हो हम तुमको रोक लेंगे, ये सारे निजाम काफिराना है। पासपोर्ट का निजाम, इमिग्रेशन का निजाम, वीजा सिस्टम सारे का सारा, कस्टम का निजाम, ये सब का सब काफिरों का निजाम है। मुजाहिदीन इन सारे निजामों को रद्द कर, ये लगाए ही उन्होंने इसलिए। यूरोपियंस बिरादरी, मोटी मोटी फाइलें, उन फाइलों में डिसइंफॉर्मेशन का कूड़ा करकट भरा, एजेंसियों की झूठी खबरें, कौंसल खानों की गलत डिक्टेशंस, ये ब्रीफ केस में जहेद है, फाइलें भरी हुई हैं, हम मार दिए जाएंगे, फौज ने घेरा कर लिया है, हिंदुस्तान आ गया है, हम पर छा गया है, हम मरे जा रहे हैं, कारगिल पर मुजाहिद चढ़ गए, अगर वो चढ़ गए पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हमारा जहेज है। हमारे नबी का जहेज जो फातिमा ने दिया रजी अल्लाह अन्हा वारदाहा, बेटी ने बाप को रुख्सत किया जिरा पहना के, तलवार ढाल थमा के, यह है तरबियत।
सो अल्लाह के फजलो करम से मुजाहिदीन ताहाल चोटियों पर है, बदस्तूर जिहाद वहां जारी है, बदस्तूर हमले जारी है। यह खालिसतन डिस इंफॉर्मेशन का हिस्सा है जो हमारे हुक्मरानों ने प्रेस में अपने झूठे बयानों से यह तासुर देने की कोशिश की कि जो मुजाकरा वो क्लिंटन से कर आए हैं ऐलान वाशिंगटन की शक्ल में उसको मुजाहिदों ने कबूल कर लिया। अल्लाह की कसम मुजाहिदों ने उसको रद्द कर दिया। और मजबूत तरीन हिकमत अमली इख्तियार की दोबारा मुजाहिदों ने, फिदाई मिशन इख्तियार की। आपने पढ़ा पिछले 72 घंटों में किस तरह से हिंदुस्तान की फौज पर मुजाहिदों के ताबड़तोड़ बार बार शदीद तर हमले हुए, किसी में उनका ब्रिगेडियर मरा, किसी में डीआईजी मरा, किसी में उनकी छावनियां तबाह हुई, किसी में 19, किसी में 20 फौजी उनके हलाक किए गए, उनके कैंप उड़ाए गए। दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदों ने फिदाई मिशन शुरू कर, फिदाई मिशन इसलिए शुरू किए गए कि मुजाकरात को तहस नहस किया जाए। ये उस रात भी हुए थे जिस रात वाजपेयी तुम्हारा लाहौर में मेहमान था। आपने देखा, शायद आपका हाफिजा कमजोर ना हो, आपको याद हो, जब पाकिस्तान का वजीर आजम वाजपेयी के इस्तकबाल में बिछा जाता था पूरी रात, और उस रात मुजाहिदों ने 70 हिंदू कत्ल किए, 70 हिंदू उस रात बाकायदा कोशिश के साथ, जानबूझकर, प्लानिंग के साथ, ताकि सुबह को लाहौर में जब किसी ऐलामिये पर दस्तखत होने लगे तो हिंदुस्तानी वजीर आजम का थोबड़ा सूझा हो कि रात भर 100 हिंदू कत्ल हुआ, सवेरे वो किस मुंह से सुलह पर दस्तखत गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद कामयाब रहे, रात भर मुजाहिदों ने हिंदू फौजियों को कत्ल किया और सवेरे वाजपेयी के चेहरे पर फटकार दी।